दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका जगत ज्ञान चैनल में आप व्हाट्सएप तो जरूर चलाते होंगे आपको ये भी मालूम होगा कि व्हाट्सएप ने अभी जल्दी में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करी है इसके हिसाब से मैं एक लाइन में कहूँ आपको व्हाट्सएप अब आप हमारे मोबाइल के पूरे डाटा का इस्तेमाल अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए करेगा एग्जाम्पल के लिए जैसे कि व्हाट्सएप अब हमारी लोकेशन का इस्तेमाल कर सकता है कि हम कहाँ पे हैं क्यों हैं किस लिए हैं इसके बाद हमारे चैट का भी वो पूरा इस्तेमाल कर सकता है कि हम किससे क्या बातें कर रहे हैं हमारा किन चीजों में इंटरेस्ट रहता है साथ में टेक्ट की भी पूरी डिटेल वो इस्तेमाल करेगा कि हमारे संपर्क किन लोगों से हैं किन से क्या बातें हैं यानी कि सब कुछ इस्तेमाल करेगा इसके अलावा मोबाइल की डिटेल भी इस्तेमाल करेगा मतलब कि हम कौन से कंपनी का मोबाइल चला रहे हैं और हमारे मोबाइल में क्या फोटो है क्या एप्स चलाते हैं क्या चीज करते हैं मोबाइल के अंदर इसके अलावा नेटवर्क की डिटेल का भी इस्तेमाल करेगा जैसे आईपी वगैरह हो गई मतलब की हम कौन सी कंपनी का सिम चला रहे हैं क्यों चला रहे हैं कितने का रिचार्ज करवाते हैं फलाना डिमकाना मतलब एक लाइन में कहूँ तो व्हाट्सएप अब आपके मोबाइल का पूरा डाटा इस्तेमाल कर लेगा और आजकल तो आपको मालूम ही है लोगों के मोबाइल में लोगों की पूरी जन्म पत्री होती है मैंने तो कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो अपने एटीएम का नंबर और, और पिन वगैरह भी मोबाइल में ही सेव करके रख लेते हैं इसीलिए मैंने ये कहा है कि व्हाट्सएप अब आपकी पूरी जन्म पत्री का इस्तेमाल इंस्टाग्राम और फेसबुक के प्रॉफिट के लिए भी करेगा और हद तो यहाँ पे इन्होंने तब कर दी जब इन्होंने ये लिखा कि इसका हम अदर प्रॉफिट में भी इस्तेमाल करेंगे अदर प्रॉफिट से ये क्या फायदा कमा सकते हैं कि हमारे डाटा को हमारी जन्म पत्री को किसी दूसरी कंपनी के हाथ बेच के पैसे भी कमा सकते हैं वैसे डिटेल में पढ़े तो इन लोगों ने अपनी टर्म्स और कंडीशन में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैंने आपको यहाँ पे मोटा मोटा जो है वो बता दिया है अब बहुत से लोग कहेंगे कि भैया इसका हमसे क्या लेना देना व्हाट्सएप हमें फिल्म चलाने को मिलता है बस बहुत है इस्तेमाल करते हैं तो करने दो लेकिन मैं बता दूँ इससे बहुत गहरा और बहुत बड़ा नुकसान होता है हम लोगों को पहला नुकसान तो ये होता है कि इन सब चीज़ों से हमारे मोबाइल में जो भी एड्स वगैरह आती हैं वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर आती हैं जैसे कि हमने किसी वेबसाइट पे एक जूता देख लिया तो हमको 50 बार वो जूता दिखाया जाएगा इतना दिखाया जाएगा कि जब तक हम उसे खरीदने पे मजबूर ना हो जाए तो यहां पे नुकसान किसका हुआ कि हमने ना चाहते हुए भी जो जूता हमें नहीं खरीदना चाहिए था वो हमने जूता खरीद लिया और वो जूता हमारे पैसों की कमाई का था मैंने जूते का एग्जाम्पल दिया है आप इसे बहुत कई सारी चीजों के साथ जोड़ के समझ सकते हैं और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आज के जमाने में हमारा मोबाइल बैंक मोबाइल हो गया है मतलब बैंक से संबंधित कुछ भी काम होते हैं वो मोबाइल से ही

इससे पहले भी व्हाट्सएप का कुछ डाटा ले, लीक हो गया था इससे पहले एक कंपनी है सोलर विंड्स के नाम से वो कई सारी कंपनियों को कोई बड़ी बड़ी मल्टी कंपनी की बात कर रहा हूं उनको डाटा प्रोवाइड करती है उसी का डाटा लीक हो गया था यानी कि पचासों कंपनियां एक साथ हैक हो गई थी अब मेरा मतलब यू है कि अगर भविष्य में व्हाट्सएप कभी हैक हो जाता है तो डाटा भी हमारा हैक होगा और डाटा के साथ हमारा मैंने जो चीज बताया वो सब बाहर चला जाएगा बाकी आप समझदार हैं आप जो चाहें फिर भी हम इन चीजों से बचने के लिए काम कर सकते सकते हैं कि व्हाट्सएप जैसे कुछ ऐप्स मार्केट में और भी हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर एक पे सिग्नल ऐप है जिसका इस्तेमाल मैं अभी खुद भी कर रहा हूँ और बड़े बड़े लोगों ने ट्विटर करके बताया भी हुआ है कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी को मैं आज आपको विंडोज में इंस्टॉल करके विंडोज में यूज करके भी दिखाऊंगा इसके अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा ऐप भी हैं उनका भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं अब चलिए मैं आपको सिग्नल ऐप की कुछ खासियत के बारे में बता देता हूँ जो इसे व्हाट्सएप से अलग बनाती है पहली चीज़ तो ये कि ये व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा सिक्योर है ये आपकी किसी भी पर्सनल चीज़ का इस्तेमाल प्रॉफिट के लिए नहीं करता है इसी की वजह से ये नंबर एक बन भी गया है व्हाट्सएप के बाद फ़िलहाल की पोजीशन तो यूँ है कि इसने व्हाट्सएप को भी पीछे छोड़ रखा है दूसरी चीज़ जो इसे व्हाट्सएप से अलग बनाती है इसमें आपको एक डायरी से मिल जाती है उसमें आप खुद की चीज़ें लिख के रख सकते हो तीसरा इसका बेहतरीन फंक्शन ये है कि इसमें डिसअपेयरिंग मैसेज का ऑप्शन मिलता है आपको डिसपेयरिंग मैसेज मतलब आप किसी को वो वाले मैसेज भेज सकते हो जो कुछ समय बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे और ग्रुप ग्रुप तो इसमें चलेगा ही चलेगा वो तो अच्छी बात है ही है बाकी ऑडियो वीडियो कॉल भी कर सकते हो इसमें इसके अलावा आपको इसका अगर हुलिया नहीं पसंद आता है तो इसकी थीम वगैरह भी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके एंड्रॉयड में तो चलता ही चलता है एप्पल वाले मोबाइल में भी चलेगा साथ ही इसे आप विंडोज में भी इस्तेमाल कर सकते हो जो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा और लाइन वगैरह यूज करते हैं तो उसमें भी चला सकते हैं बाकी इस एप्स की

और इंस्टॉल कर लेते हैं इसके लिए अपने ब्राउजर पे आ जाइए और ध्यान दें मैं ये सब काम विंडोज टेन पे कर रहा हूँ लेकिन आपका विंडोज एट और सेवन भी है तो स्टेप पूरे सेम टू सेम टू ही रहेंगे सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आ जाएंगे पे आप देख भी सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि ट्विटर के सीओ वगैरह हो गए और भी कई सारी चीजें हैं आप देख लीजिएगा फिलहाल यहाँ पे गेट सिग्नल पे क्लिक करिए डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे कोने में देखेंगे एक एप्स डाउनलोड होने लगेगा जिसका साइज करीब एक सौ सोलह एम का है कम्प्लीट होने के बाद ये आपको डाउनलोड फोल्डर में दिखेगा अब इसके ऊपर राइट क्लिक करिए रन एज एडमिनिस्टर यस के लिए ऑप्शन आएगा यस कर देंगे फिर अपने आप ये इंस्टॉल होकर ओपन हो जाएगा आपको एक बार कोड दिखेगा अब इस बार कोड को अपने मोबाइल वाले सिग्नल ऐप से स्कैन कर देना है ये भी काफ़ी सिंपल ही है इसके लिए अपने मोबाइल वाले सिग्नल ऐप में आना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आ जाइएगा लिंकेड डिवाइस दिखेगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे प्लस का निशान दिख रहा है इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और स्कैन कर लेंगे अब ये जो लिंक डिवाइस है इसके ऊपर क्लिक करिए बस मोबाइल में आपका काम हो गया है कंप्यूटर पे आ जाइए यहाँ पे फिनिश लिंकिंग पे क्लिक करते ही आपका काम लोहा हो जाएगा बस मैं आपसे यहीं पर ही चाहता हूँ ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो व्हाट्सअप के साथ साथ कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हैं बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया कोई समस्या है कोई विचार है किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है चलते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक क्लियर ध्यान रखिए अपना